ये था क्या नाम? जी मेरा नाम रानी सेन है, मैं अभी मेरे नाना नानी के पास रह रही हूँ। मेरी शादी में नाना नानी ने राम खजुरिया मंगला खजुरिया जितेंद्र सेन लक्ष्मण सेन के पुत्र से कराई थी। शादी के एक साल बाद से ही मेरे को मार पीट करते थे मेरे पति, और मेरी सास ने मेरे को जोड़ती पकड़ पकड़ के बाल का सीख के मारती थी। मेरी नैन भी मारती थी और मेरे देवर भी मारता था। मेरे ससुर भी बोलते हैं तू दहेज में क्या लेकर आई है, तेरी दम हमारी लड़की दूसरी शादी करेंगे तेरे को नहीं रखेंगे। चार पांच बार साहब मैंने कंप्लेन की लेकिन मैंने वापस ले ली, इनके दबाव ससुराल वालों के दबाव में मैंने कंप्लेन करी वापस ले ली। फिर मेरे को इतना मारा कि मेरे सिर पर चोट आई। फिर थाने में 100 नंबर लगा के मैंने थाने वालों को खिलाफ कंप्लेन लिखवाई। फिर उसके बाद में थाने वालों ने मेरे को मेरे नाना नानी के यहाँ भेज दिया। फिर मैंने नाना नानी के यहाँ रहने के बाद मैंने केस लगाया। वहाँ मेरा केस चलता रहा, तब भी यहाँ आके धमकी देते रहे। अभी क्या कहाँ पर रही हैं? अभी मैं नाना नानी के पास में। अभी यहाँ कहाँ पर रही हैं? अभी कलेक्टर साहब से मदद मांगने के लिए आई हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई में? हाँ, जन सुनवाई में आई। क्या बोल रहे हैं? बोला बात हुई अभी आपकी? अभी बात हुई, अब बोला करेंगे आपके साथ। क्या बोला आपके साथ? सबसे यही बोला कि मेरे बच्चे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका पालन पोषण ठीक से इस केस नहीं कर पाई हूँ। भूखे प्यासे रहते हैं सब, मैं तो भूखे रह जाती हूँ लेकिन बच्चे भूखे नहीं रहते हैं। पति से हर जगह खर्चा नहीं मिला? पति से कोई भी 1.5 साल हो गया, मेरा केस फाइनल हो गया लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। सब 4,000 सुबह तक 4,000 बोलते, 2,000 लोग बोलते, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ जहाँ जाते वहाँ पैसा भरते थे सब, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। अभी तक 1 रुपये नहीं मिला? अभी 1 रुपये नहीं मिला सब। तो कितने सालों से परेशान कर रहे थे? शादी के 1 साल बाद से, पर मैंने सोचा धीरे धीरे समझ जाएंगे लेकिन मेरे को दो लड़के हो गए पर वो नहीं समझे। अब क्या करेंगे आप अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई? साथ नहीं सुनवाई हुई थी दोनों बच्चों को देर देखे मार डालूंगी, मैं भी मर जाऊंगी क्योंकि मेरे माँ बाप कोई भी नहीं।